संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ हैं। संजय कुलकर्णी, आप सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि संसद से जवाब मिले, संसद से समाधान निकले, अभी नेपराम जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, तूतू मैमे की ये जो पॉलिसी है इसमें मणिपुर उलझ गया है, और जब महिला अस्मिता पर बात आती है तब तो चीजें और उलझी हुई नजर आती है। तो संजय जी, क्या मणिपुर का हल है और क्या वाकई ये पॉलिटिक्स है सर? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो जो भी जिम्मेदार है, तो क्या ये पॉलिटिक्स मान ली जाए जिसके चलते मणिपुर लगातार 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 झेल रहा है? धन्यवाद गरिमा जी। मैं कहूंगा हल है, इस पे कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? क्योंकि अगर हम सारे मणिपुरी अपने आप को मणिपुरी समझे तो हल निकलेगा, लेकिन अगर हम से होम मिनिस्टर को चाहे 2.5 घंटे ही वक्त मिले, अगर वो उतने में ही कम से कम सबको बताते कि उन्होंने क्या किया है, वो उधर रहे, उन्होंने कुकियों के साथ क्या बातचीत की, उन्होंने मेतियों के साथ क्या बातचीत की, क्या उन्होंने उनको सुझाव दिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं लोग मान रहे, क्या दिक्कत है, कम से कम सबको पूरे देश को पता चलता। क्योंकि अगर हम मणिपुरियों को मणिपुरी समझ करके और मणिपुरी के रहने वाले भी अपने आप को ना कुकी समझे, ना मेती समझे, ना नागा समझे, अगर सब अपने आप को एक तरीके से समझे और सबको एक नजरिए से देखा जाए तो हल तो 24 घंटे के अंदर है। लेकिन अगर नहीं, सब वो हल बता दीजिए संजय जी, वो हल क्या है? वो हल क्या है बता दीजिए, इसी मंच पर बता दीजिए कि क्या हल है। देश के गृहमंत्री अगर जवाब देंगे संसद में खड़े होकर तो वो बताएंगे कि किस किस समुदाय से बात की, क्या क्या हुआ, लेकिन वो हल जिसका बरसों बरस से इंतजार हो रहा है। गरिमा जी, बात ऐसी है कि अभी अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ, रूल ऑफ मॉब हो जाता है। अगर रूल ऑफ मॉब होता है और रूल ऑफ लॉ लाना है तो हम लोगों को सारे जितने भी वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं उनको घर के अंदर बंद करना पड़ेगा। इसमें हमें सख्त कदम लेने पड़ेंगे, और घर के अंदर जब वो बंद होंगे उसके बाद रस्ते पे नहीं आएंगे, और जो हथियार गए हुए हैं 3-4 हजार हथियार अभी भी तो ये सरकार नहीं जानती लोगों के पास है। ये सरकार नहीं जानती है, ये सरकार नहीं जानती है कि क्या होना चाहिए। सुकेश जी, हाँ आ रही हूँ सर, मैं लौटूंगी आपके पास।